आज हमारा प्रैक्टिकल काम है। आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह फील्ड में हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं मैथ्स फार्मूले की उसूल के मुताबिक। ठीक है, हमने जो पढ़े हैं तो बुक्स में, तो ये ट्राइंगल है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राइंगल है, सोशल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि राइट ट्राइंगल के रिलेशन एरिया की हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमने ये पढ़ा है कि एरिया साइड वन मल्टीप्लाई बाई साइड टू है, डिवाइड बाई टू इसका एरिया है राइट ट्राइंगल का। अब ये रेक्टेंगुलर शेप का है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, लेकिन ये इस तरह आपको प्रैक्टिकल पीरियड में नहीं नज़र आएगा। ठीक है, आज हमने ये एरिया मालूम करना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली कि किस तरह हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इधर आओ ना, अभी इधर से हमने लिया। ठीक है, अब हम इसका रफ एक शेप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आप ड्रा करेंगे ताकि आप अच्छे समझ। तो हमने ये जितने जो साइड है हमने इस तरह ड्रा किया। ठीक है, इसमें इधर रेक्टेंगल है, इधर ट्राइंगल है, बल्कि पॉलीगन है। ठीक है, हम पहले क्या तरीका करेंगे, सबसे पहले जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं वहाँ से एक साइड लेंगे। ठीक है, एक साइड से ले, या जो जो जगह सीधा हो वो जगह ले। अब इस कोने पे एक बंदा खड़ा हो जाएगा और दूसरा बंदा जो है वहाँ से मायरी ठेप देगा। ये मायरी ठेप वाला इधर आइए जाएंगे। ठीक है, अब पहले हमने इधर आ गया, अब ये बंदा इधर खड़ा हो गया और ये आ जाएगा और इस तरह ये जगह जो है मायर करेंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि आप इधर खड़े हो जाए और आप खुद आ जाए। ठीक है, और ये यहाँ जगह खड़े हो जाए। आप भी इस तरह रब एक अमल इस तरह ड्रा करें। ठीक है, अब ये साइड थ्री मालूम हो गया। अब वो कोना है उधर पे आप खड़े होना है और दूसरा जो है इधर आ जाए और ये जगह जो है इसको मायर करे। इधर आ जाओ, बैठे। अब इस कोने को आ जाए और ये पिता जो है टेप इधर ले आए। ठीक है, और इसको ना पे। अब ये साइड जितने जो सीट है आप कंटिन्यूसली मालूम करें, ऐसा ना कि एक साइड जो है आपसे रह जाए वरना फिर मसला खड़ा करेगा। अब ये वाला एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसको कहेंगे कि आप इस साइड को पकड़े, अब दूसरा बंदा जो है जाके इसको जगह मायर करेंगे। अब ये जो कमरा आया है आप इसको कोने कोना पकड़े और इसके जगह जो वाल है इसको फाइंड आउट करें। आप उधर से पकड़े और इधर आ जाएं। ठीक है, तो एक मायरिंग सारा एरिया जो है हमने ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल के सारी साइड मालूम करेंगे, एक जगह एक साइड भी न रह जाए वरना फिर फंसला करेगा। अब वो वाला जगह फाइंड आउट करेंगे, दीवार वाला। हम प्रैक्टिकल जाते हैं और जिस तरह मैंने समझाया कि आप इस तरह करें हम जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने साइड वन लिया था, तो अब आके हम इसको मायर करेंगे। ठीक है, एक बंदा खड़ा करें जहाँ जो आपका बाउंड्री है वो बाउंड्री जो है आपके साथ कोई उसके लिए वो जगह हो। तो मेरे साथ इसका पेंट है। ठीक है, तो मैं इसको निकालूंगा और वहाँ जिस जो बाउंड्री जहाँ से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ उस जगह को जो है वो हमने इस पर पॉइंट लिया। ठीक है, अब इस बंदे को मैंने खड़ा कर दिया। ठीक है, आगे मैं खुद गया।
अब ये मेरा बाउंड्री का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पॉइंट लूँगा, शाम में पूरा और 6 चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जो है डायरेक्शन देखिए, कबला या मगरिब या मशरक या शिमाल, एक ख़ास डायमेंशन की तरफ, ज़्यादातर हम मगरिब लेते हैं, ठीक है। तो हमने उस तरफ डायमेंशन किया, अगर कोई गलती वगैरह तो इस तरफ हम पेज ले रखेंगे तो साइड हमें मालूम हो जाएगा कि इस साइड पे हमें लेना है, ठीक है। लीडर पहले जाएगा और फॉलोअर को कहेंगे कि आप इधर खड़े हो जाए, ठीक है। अब ये बंदा हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। और आगे गए, ठीक है। इसका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री हमने दिया, ठीक है। कोशिश करें कि ये मायरिंग टेप जो है बिल्कुल सीध में हो, ठीक है। तो ये जगह हमने ये पॉइंट दिया, ठीक है। अभी हमने इसको रख दिया, ठीक है, 52 फुट और 3 इंच, ठीक है। अब दूसरा साइड ट्रायंगल हम बनाएंगे, तो इस वजह से हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो इस वजह से हम मायरिंग टेप जो है वो बिल जहाँ से हमने पहले पॉइंट लिया था उस पॉइंट को हम लेके जाएंगे। जो पहला पॉइंट था उस पॉइंट को इसका सर सिरा जो है हम लेके जाएंगे जहाँ से हमने पहला पॉइंट लिया था। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रायंगल बन गया, जो जगह था ना जहाँ पॉइंट हमने लिया था, तो उस जगह पे ये बंदा अभी जा रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। इसका मायरिंग 96, 52 और 132, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि मायरिंग टेप बिल्कुल सीध में रखें, ठीक है। अभी हमने लिया 132, ठीक है। इसका ट्रायंगल आ गया, हम अब ये वाला लाइन हमने फाइंड आउट किया ना, अब क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वही जो है वो लाइन हमने फाइंड आउट किया, अब दूसरा लाइन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को तीसरा दूसरा ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ जो मतलब ये बाउंड्री जो है जहाँ इसमें टर्न आया हो तो उस जगह को हम लेंगे। अभी यह जो है अब देख सकते हैं कि टर्न आया है, तो इस वजह से हमने यहाँ लाइन दिया, ठीक है। अब ये इधर देखें ना, इधर ये टर्न आया है, तो इस वजह से हमने इसको देखा, ठीक है। यह आ गया 110 फीट, ओके, 110 फीट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये वाला जो है दो साइड मालूम हो गई, हम तसलसल से लेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल इसका पहला साइड पहले हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला जो बंदा जा रहा है हमने पहले फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट तक जाएंगे तो ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, ये दूसरा ट्रायंगल बन, ठीक है। ये 39 फीट और 2 इंच हो गया, ठीक है। अब ये बाकी हिस्सा जो है बाकी रह गया, ठीक है। Я сам делаю, я вам не даю. Я вам не даю.
मुगल सारा आसान देगा ना, जैसे पट पखी जिसमें पखी पलट शक्ल चौटे पे रखी ना। हाँ यही इधर वही पॉइंट पे हमने रख दिया, ठीक है, वही पॉइंट पे जहाँ पॉइंट से लिया तो वही पॉइंट पे हमने रख लिया और दूसरी जगह चले गए, ठीक है। अब यहाँ चले गए, ठीक है, ये जो लाइन है हमने वो लिया, ठीक है। तो ये भी फाइंड आउट हो गया, ओके, 68 फीट एंड 10 इंच हो गया, ठीक है। हम अभी दीवार लेंगे, ठीक है, ये जो कमरा है इसका दीवार हम लेंगे, ठीक है। अब ये कोना पकड़ो, ठीक है, ये आ गया। जो छोटे छोटे जगह रख जाते हैं आप इसको भी डायरेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। अभी तीसरे यही पॉइंट जहाँ पॉइंट हमने लिया उस पॉइंट को दोबारा उस पॉइंट से मिलाए जहाँ से हम अभी आए थे, ठीक है, ये जिस पॉइंट से पहले हम आए थे, ठीक है, उस पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है, ताकि ये ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब ये भी हमने मेजर किया, ठीक है, अब थोड़ा सा दो पॉइंट और रहे, दो ट्रायंगल और रह गए ये बाकी जगह। अभी इस कोने से हम वो पकड़ेंगे, ठीक है, अब ये वाला जहाँ जो पहले ट्रायंगल हमने छोड़ा था उस पॉइंट से हम रखेंगे और डारी किए, बस आ गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया उस पॉइंट से जो दूसरी वो पे गए थे, ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था तो उस पॉइंट पे हम गए, ठीक है। तो एक पहले लाइन आया था, ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल भी कवर हो गया। अब ये जो दीवार के साथ ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल बाकी है, अब हम इसको करेंगे, ठीक है, ये एरिया कवर हो गया। अब ये ट्रायंगल जो है हम फाइंड आउट करेंगे। अभी दीवार के साथ ये बंदा जा रहा है, ठीक है, और ये रखेंगे और जो वाल बाकी था उस वाल को हम पकड़ेंगे, ठीक है। अभी ये लाइन जो हमने पकड़ लिया, ठीक है, ये हमने पकड़ लिया, ठीक है, ये हमने पकड़ लिया, ठीक है। अभी एक साइड रह गया, ठीक है, अभी एक लाइन जो है रह गया। ये लाइन, ठीक है, अब हमने ये लाइन फाइंड आउट किया, ठीक है, 15 फीट और 5 इंच। अभी सारा हमने रफ कर लिया, ठीक है, और अभी जो है ये साइड आ गए। अब ये पॉइंट्स मैंने रख ली और रफ ले ली। अब सारे हमने एरिया ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब मैं आसानी से पूरा जाके आसानी से आपको ड्रा करता हूँ, ठीक है। अभी ये आप अभी मैं आ गया, ठीक है, और अभी हम जाके इसको क्या करेंगे, इसको जो सबसे पहले हमने साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3 लिया था, तो अगर आप इसको देखें 52 फुट 96 फुट इंडेक्स 32 फुट, ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, लेकिन ये न राइट ट्राइंगल है
ना कोई ख़ास किस्म का है, ठीक है। तो इस वजह से इसका इसका एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसको देखिए। पहला जो साइड है छियानवे फुट पॉइंट फाइव इंच है, तो 0.47, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसे आएंगे, ठीक है। दूसरा है 52 फुट और 3 इंच, तो 52 फुट पूरा लेंगे और 3 इंच को 12 पे डिवाइड करेंगे, 0.25 आता है, ठीक है। बाकी तीसरा जो है 1 3 2, तो अभी इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, और इसको फिट में फिट है, ठीक है। तो अभी ये जो है 2130 फिट जो है ये अपने साथ जहाँ जिस जगह का एरिया आता है तो अपने साथ नोट करें, ठीक है, उस पेज पे नोट करें, ठीक है। 21.3 यानी 2 स्क्वायर फीट, ओके। अभी हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल किस तरह लेंगे, 132 फिट, और दूसरा साइड जो है 110 और तीसरा साइड इसका 39 फुट और 2 इंच 2.16, ठीक है। तो दूसरी साइड का एरिया आ गया, अपने साथ नोट करते जाए, ठीक है, 19.34, ठीक है, 131। और अब तीसरा ट्राइंगल हम लेंगे 68, आप इसको देखिए 68 फिट एंड 10 इंच 2.83, ओके। 10 को 12 पे डिवाइड करेंगे और दूसरा 110 फिट है और तीसरा जो जिसका साइड है कौन सा है, 111, ठीक है, 111। तो इससे आ गया, तीसरे वाले से आ गया कौन सा, 3613, ओके। अब जो फोर्थ का साइड है हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो 15.48, ओके, और 111 और तीसरी साइड में है 110, ठीक है, तो 850 आ गया, 851.32। अब ये पूरा एरिया आपके साथ अभी देखिए, टोटल ऊपर लिखा है सारे एरिया गए हैं और ऊपर लिखा है टोटल, ठीक है। तो टोटल एरिया आप 8529 स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है। तो ये टोटल एरिया है इस एरिया का जो मैंने फाइंड आउट किया, और इसको सारे इस तरह ट्राइंगल है, ट्राइंगल में डिवाइड करें, ठीक है, अपने साथ तरफ अमल में लिखें, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये बात याद रखो कि जहाँ जो दो जगह ठरन यानी सीट में ना हो तो उसी जगह पॉइंट लें, जिस तरह मैंने पॉइंट्स ली, जितने जो एरियाज जहाँ भी पॉइंट यानी अलाइनमेंट सही ना था तो वहाँ मैंने टर्निंग ली, ठीक है, यानी पॉइंट ली। तो इस वजह से मुझे ये एरिया डायरेक्ट आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, और अगर फेसबुक पे है तो मेरा पेज फॉलो करें ताकि आपको इस तरह बेहतरीन वीडियो मिल सके। और एक बात याद रखो, एक बात भूल गया, सॉरी, दैट ऑलवे बी अलाइन, ओके, कि ऑलवे हमेशा जो है अपना जो मायरिंग टेप है वो बिल्कुल सीध में, कोशिश करें कि सीध में रखें, ऐसा ना हो कि एक जगह जो है ऊपर हो एक साइड और दूसरा नीचे हो। इससे याद गलती आती है कि अगर ये परस करी 25 फीट है तो 25 की जगह फिर ये 26 फीट आ सकता है, क्योंकि ये उसूल है मैथ्स की, ठीक है। शुक्रिया, मेरा पेज फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।